नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कांजी महेश्वरी ब्लॉग। दोस्तों आज मैं एक भारत में तो वैसे तो बहुत सारे किसान खेती कर रहे हैं, लेकिन आज मैं एक हमारे साथ ही काम करते हैं हमारे सर, उन्होंने एक खेती किया ड्रैगन फ्रूट का, कुछ अलग ही तरीके से किया है, तो उनके फार्म हाउस पे आज हम आए हैं। तो ये दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे पूरा पत्थर है, लेकिन इन्होंने जो डेवलप किया है ना, वो आपको आज मैं इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों ड्रैगन फ्रूट है ना, वैसे तो इधर अपने गुजरात में, कच्छ में, भारत देश में बहुत सारे ऐसे ड्रैगन फ्रूट का खेती अभी चालू कर दिया है सब लोगों ने, सब किसानों ने, लेकिन हमारे सर ने जो किया है ना, वो कुछ अलग ही तरीके से किया है। बंजर जमीन में से ऐसा इतना अच्छा डेवलप किया है, वो सब इस वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हो हम खेत के अंदर की साइड में आ गए, और हमारे साथ किसान भाई जिन्होंने ये पूरा मेहनत करके इतना खेती किया है ड्रैगन फ्रूट का, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। रिद्धि रॉयल फार्म हाउस है, इनके ओनर है, इनसे बात करेंगे कि सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपने ये पूरा बंजर जमीन में, इधर तो पूरा पत्थर है, बराबर इसमें इतनी मेहनत करके आपने ये पूरा मेहनत करके अभी जो दिख रहा है इतना मस्त, इसके अंदर ड्रैगन फ्रूट फल आए हुए हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है और आपने ऐसा जमीन क्यों चुना? एक्चुअली ड्रैगन फ्रूट के लिए रेती और पत्थर वाली जमीन सही रहती है। ओके और इसके लिए ये जमीन में पूरा पत्थर और रेती है। मतलब इसको बोलते हैं हार्ड मोरम, तो हार्ड मोरम में ड्रैगन अच्छा होता है, इसके लिए ये जमीन मैंने चूज की है। ओके सर, दूसरी बात मैं बताऊं तो सर, मैं अपने भारत में, गुजरात में बहुत सारे ऐसे ड्रैगन की, कच्छ में भी बहुत सारी अभी ड्रैगन की खेती तो हो रही है, लेकिन आपने ये डाला हुआ ना बम्बू, और सब लोग तो क्या करते हैं, वो रिंग बनाते हैं, सीमेंट का रिंग बना के उसके ऊपर रखते हैं, आपने ऐसा क्यों चूज किया? जी एक्चुअली सब लोग रिंग में करते हैं, मैंने इसको ट्रेल सिस्टम में किया है, इसमें कंटिन्यू ड्रैगन लगता है और दोनों साइड ड्रैगन के जो पत्ते रेस्ट हो जाते हैं, तो इसके अंदर प्रोडक्शन उससे 3 गुना ज़्यादा मिलता है। ओके इसके लिए, और आफ्टर 2 ईयर्स हम इसको चेंज करके GI बाम्बू यूज़ कर लेंगे, अभी जब तक उसका वेट कम है तब तक कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हो ऐसा कुछ है। और सर दूसरी बात के इसमें इन्वेस्ट कितना है, उसमें मुनाफा कितना मिलता है, और ये कितने साल तक ये इसका ये रहता है जाड़? ये 5.5 लाख से 6 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है ये मेरी सिस्टम में, ट्रेल सिस्टम में। ओके और 1 एकड़ में मेरा ये 2 एकड़ में लगा हुआ है। अच्छा 10,000 प्लांट लगे हुए हैं। ओके 10,000 पौधे ऐसे लगे हुए हैं। जी ठीक है। और सर ये इसमें कितना मुनाफा रहता है, और ये क्या अपना कितने साल तक अभी रहेगा, ये आपने जो खेती की है वो कितने साल तक रहेगी, और इसमें 1 साल में कितना मुनाफा होता है, कितना इसका फल निकलता है 1 साल में? एक्चुअली ये आपका इन्वेस्टमेंट का 80% फर्स्ट ईयर में ही आपका निकल जाता है। अच्छा और आफ्टर 2 ईयर्स इसमें ऑलमोस्ट समझो ना 1 एकड़ में 10 लाख से भी ज़्यादा मुनाफा है। तो दोस्तों देख सकते हो किसान भाई हमारे सर भी बोल सकते हो आप, इन्होंने पूरा ये प्लान तैयार किया ना एकदम डिफरेंट तरीके से, जो सब लोग करते तो है, लेकिन ड्रैगन का फ्रूट अभी आम हो गया है, सब लोग चालू ही है, लेकिन ये सर ने जो डेवलप किया है ना कुछ अलग ही तरीके से किया है। तो दोस्तों अभी जो ड्रैगन फ्रूट लगे हुए हैं, जो पौधा लगा हुआ है वो दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों देख सकते हो ये कितना मस्त फल इसमें लगे हुए हैं। सर ये अपना फल आपने अभी तक कुछ सेल किया है कि अभी करना बाकी? जी ये फर्स्ट प्रोडक्शन है। अच्छा अभी तक हमने 800-900 किलो निकाल दिया है, उसका फर्स्ट क्रॉप है ये। अच्छा अभी सेकंड अभी चालू होगा, ये फर्स्ट क्रॉप है। अच्छा और ये जून से लेके दिसंबर फर्स्ट वीक तक चलता है। अच्छा तो दोस्तों देख सकते हो जून से लेके दिसंबर फर्स्ट जी तक ये फ्रूट इसके आ सकते हैं जी। तो दोस्तों ऐसा कुछ है, आगे चलते हैं, देखते जाते हैं क्या क्या है, कैसे फल निकलते हैं। और सर आपको एक बात और पूछना था सर,
ये नीचे सीमेंट का खंभा लगाया बराबर, जिसके ऊपर ये आपने लोखंड का पाइप लगाया, इसके ऊपर ये बाम्बू लगाया जी। तो इसके पीछे का कारण क्या है सर, वो बताइए। इसके पीछे का कारण है कि सीमेंट की लाइफ है 30 इयर्स। ओके, तो ये 30 इयर्स तक पॉल तो रहेगा। ओके, बाकी ऊपर जो पाइप है ये भी GI कोटेड है। ओके, तो इसकी भी लाइफ अच्छी है, अच्छी है। बाकी मेन ये है वास बाम्बू, तो ये ठीक है, अगर 2 साल के बाद रिप्लेस भी करना पड़े तो रिप्लेस कर देंगे। और जो बीच में जो वास बाम्बू है वो तो ओनली सपोर्ट के लिए ही है, रेगन अगर ऊपर चढ़ गया फिर उसको कोई जरूरत नहीं है सपोर्ट का। फिलहाल उसको सपोर्ट की जरूरत रहती है जब तक ऊपर नहीं चढ़ता है। ओके, तो दोस्तों देख सकते हो सर ने पूरा प्लान तैयार किया, वो दिखाने की हम कोशिश आपको कर रहे हैं और आगे भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों सर से एक बात पूछेंगे, सर आपने ये पौधा तैयार किया इसमें कितना टाइम लगता है और आपको ये फल आने में कितना टाइम लगा? जी, ये हमने लगाया था आई थिंक 11 महीने हुए इसको। अच्छा जी, 11 महीने का मतलब ये पूरा पौधा? जी, 11 महीने का ये पौधा है। और हाँ, बस 11 महीने में ही ये आ गया। अच्छा, वैसे पूरा तैयार हो के बराबर इसमें वैसे तो 7 से 9 महीने में आ जाता है। अच्छा, बट अपने ये 11 महीना हो गया है उसको, लास्ट जून जुलाई के बाद लगाए थे। ओके सर, दूसरी बात के इसमें कितने फल आते हैं और ये कितने इसका वॉल्यूम कितना रहता है? देखो, एक प्लांट के अंदर फर्स्ट ईयर में 2 से 5 किलो आते हैं, फिर आफ्टर 2 ईयर्स एक प्लांट में मिनिमम 10 kg प्लस, 10 किलो प्लस आएगा। तो दोस्तों देख सकते हो अभी तो 4-5 किलो केजी निकलता है, लेकिन आफ्टर 2 इयर्स 2 साल के बाद ये 10 किलो एक पौधा 10 किलो का फल देगा। तो दोस्तों देख सकते हो कितना मुनाफा हो सकता है। अभी मार्केट में इसकी क्या प्राइस रहेगा सर? अभी मार्केट में प्राइस इसका 180 रुपये से लेके 235 तक है। उसमें क्या रहता है, ग्रेडिंग रहता है, ये है 400 ग्राम प्लस। ओके, तो ये हाईएस्ट है, इसका 200 रुपया प्लस मिलेगा आपने। ओके, और अगर ये छोटा है, ये भी बड़ा है, 200-250 ग्राम का है, तो उसमें थोड़ी उसको बी ग्रेड बोलते हैं। अच्छा, तो उसका थोड़ा ग्रेड के हिसाब से उसका प्राइस नक्की होता है। ओके, तो दोस्तों देख सकते हो और भी आगे बहुत सारे जैसे पौधे लगे वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे अभी तो पक भी गए हैं। दोस्तों ड्रैगन फ्रूट लगाने से सबसे ज़रूरी है उसका प्लांट, तो प्लांट के बारे में सर से जानने की कोशिश करेंगे। सर ये प्लांट कैसे लगा सकते हो और इसका प्रोसेस क्या, आप पूरा बताने की को जी। एक्चुअली ये श्रीलंकन वैरायटीज़ है। हमारा दूसरा प्लांट है कालावाड़ में, राजकोट कालावाड़, वहाँ से ये प्लांट्स आए हैं। वहाँ पर हमारे पास 3 लाख प्लांट्स की नर्सरी है और वहाँ पर भी यही सिस्टम में अपना दूसरा फार्म है, जैसे रिद्धि रॉयल फार्म है वैसे वहाँ पर हमारा दूसरा ब्रांच है। तो आपको कभी भी प्लांट्स की ज़रूरत हो तो हमारी यही वैरायटी आपको श्रीलंकन वैरायटी मिल जाएगी। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और प्लांट्स हमारे पास ऑलवेज एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो ये प्लांट के बारे में आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उधर से आप लेके सर से पूछताछ कर सकते हैं।
तो दोस्तों अभी हम आपको लाइव डेमो दिखाएंगे, तो भाई अपने को अभी काट के लाइव डेमो दिखाते हैं। तो काटिए, तो काटने की प्रोसेस आप देख दोस्तों देख सकते हो, ऐसा कुछ चीज़ का काटने की प्रोसेस रहता है। और अभी ये फ्रूट अभी हम काटेंगे और आपको भी दिखाएंगे, हम इसका स्वीटनेस भी चेक करेंगे और आपको भी बताएंगे। इसको तो देख सकते हो, इसको ऐसा कुछ काटने का रहता है। इसका जो स्वीटनेस है ना, वो आपको इस वीडियो में बताते हैं। हम टेस्ट भी करेंगे और आपको भी बताएंगे। आप तो टेस्ट नहीं कर सकते वीडियो में, लेकिन हम टेस्ट जरूर करेंगे और आपको बताएंगे। और दोस्तों ये हमारी रिद्धि, जिसके नाम से पूरा ये फार्म हाउस बना है, वो रिद्धि रॉयल जो फार्म हाउस है वो इसके नाम से है। तो दोस्तों देख सकते हो कितनी क्यूट है, और इसके नाम से पूरा ये फार्म हाउस बना हुआ है। दोस्तों देख सकते हो फूड की क्वालिटी, आप देख सकते हो दोस्तों। भाई अभी फूड की जो क्वालिटी है ना, वो देख सकते हो। दोस्तों देख सकते हो ये कुछ काट के ऐसा कुछ निकला, क्वालिटी आप देख सकते हो दोस्तों। इसकी स्वीटनेस भी चेक करेंगे हम। इसके फायदे प्योर ऑर्गेनिक है। अच्छा। सबसे बड़ा फायदा तो यही है। अच्छा। कि अपना फ्रूट जो है प्योर ऑर्गेनिक है जी। अच्छा। इसके अंदर हम कोई भी फर्टिलाइजर या कोई भी खाद नहीं डालते हैं। तो दोस्तों देसी खाद डालते हैं और देसी पूरा मतलब ऑर्गेनिक है, पूरा ऑर्गेनिक। तो दोस्तों देख सकते हो ये पूरा ऑर्गेनिक है, इसके अंदर कोई रासायनिक खाद या कोई कुछ भी मिलावट नहीं किया हुआ है, और ये पूरा नेचुरल है दोस्तों देख सकते हो। तो दोस्तों अभी मेरे साथ भाई है, भाई भी अभी टेस्ट कर रहे हैं, तो भाई से पूछेंगे कि इसका टेस्ट कैसा लग रहा है आपको। मीठा एकदम मीठा है एकदम। दोस्तों देख सकते हो, आप तो नहीं खा सकते क्योंकि इस वीडियो में आप नहीं खा सकते, लेकिन हम खा रहे हैं, और इसकी मिठास है ना एकदम मस्त है। तो दोस्तों अभी हम इस वीडियो को इधर ही समाप्त करते हैं, और समाप्त करने से पहले दोस्तों एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, मुझे पूरा फार्म हाउस घूमा, और फार्म हाउस पूरा ऑर्गेनिक है, मतलब इसमें कोई खातर यूरिया खातर ऐसा कुछ रासायनिक खातर कुछ नहीं डाला हुआ, पूरा ऑर्गेनिक है, और दोस्तों पूरा नेचुरल है। इसकी अभी मैंने टेस्ट किया ना, तो इसका जो स्वीटनेस है ना एकदम मस्त है। तो दोस्तों आपको इसको लेना है, फ्रूट को आपको आवश्यकता है, तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देता हूँ, उसमें कांटेक्ट करके आप उसको बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, नए लोकेशन पे नया कुछ दिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।